भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने वर्ल्ड वाइड म्यूजिक के कर्ता धर्ता रत्नाकर कुमार की दो बड़ी फिल्में साइन की हैं। जी हाँ, जिसे डायरेक्ट करेंगे दो बड़े डायरेक्टर, भोजपुरी के दो बड़े डायरेक्टर। और ये दो बड़े डायरेक्टर पहली बार पवन सिंह के साथ काम कर रहे हैं। एक तो सोनू खत्री, जो कि एक्शन फिल्में करने में जिन्हें महारत हासिल है। प्रेम गीत आपने देखा होगा, प्रदीप पांडे चिंटू की जो फिल्म है उसे उन्होंने ही डायरेक्ट किया है और वो फिल्म एज अ एक्शन जबरदस्त है। खैर, अब दूसरी बात करते हैं अनंजय रघुराज की। तो अनंजय रघुराज पहली बार पवन सिंह के साथ काम करेंगे। इन्हें ज़्यादातर खेसारी और निरहुआ के साथ काम करते हुए देखा गया है और अब ये पहली बार दिखेंगे पवन सिंह के साथ। इन दो नए डायरेक्टरों के साथ पहली बार पवन सिंह काम करने जा रहे हैं। साथ ही इन दोनों के साथ हीरोइनें कौन सी होंगी अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही ये बात क्लियर होगी कि इन दो फिल्मों में हीरोइनें कौन सी होंगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन एक हीरोइन आप समझ के चलिए कि इन दो फिल्मों में एक हीरोइन तो तय है, वो है हर्षिका कपूर, जिसके साथ आजकल पवन सिंह की ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी जम रही है। फिर दूसरी बात हम बता दें कि ये दोनों फिल्में आपको एक्शन फिल्में ही मिलेंगी, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह जब तक एक्शन न करे पर्दे पर तालियां नहीं बजती। लेकिन पवन के लिए ये बहुत बड़ी डील है, क्योंकि पवन सिंह रत्नाकर कुमार के साथ पहली बार कोई फिल्म साइन कर रहे हैं और रत्नाकर कुमार का खेमा खेसारी लाल यादव का खेमा माना जाता था। लेकिन खेसारी लाल यादव से आजकल रत्नाकर कुमार की जो मनमुटाव है उसे देखते हुए रत्नाकर कुमार ने अपने लिए पवन सिंह को बेटर समझा। ये हाल ही के एक YouTube चैनल पर दिए इंटरव्यू पर भी उन्होंने कहा कि पवन सिंह बेटर है। खैर, पवन सिंह के जो फैंस हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।